अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? मैं आपका दोस्त आपका भाई अकरम आलिया और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल अकरम आलिया 107। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में और आपको दिखाने वाला हूँ अनारकली बाज़ार। आज हमें जाना पड़ा अनारकली बाज़ार, कुछ चीज़ की ज़रूरत है, तो चलिए आपको भी दिखाएंगे कि हमारा आज का दिन किस तरह रहेगा। बेसिकली अनारकली अगर आप आना चाह रहे हैं या पाकिस्तान के किसी और शहर से, तो आप नहर पे भी जा सकते हैं। अगर आप टोकर की तरफ से आ रहे हैं या किसी और साइड से, नहर की तरफ से भी अनारकली को रास्ता निकला हुआ है, रिंग रोड से भी रास्ता निकला हुआ है और बहुत और भी रास्ते हैं। ट्रेन के ज़रिए भी आप जा सकते हैं जो ऑरेंज ट्रेन है, लेकिन आज मैं भी जा रहा हूँ ऑरेंज ट्रेन के ज़रिए अनारकली बाज़ार। तो आप हमारे साथ रहिए, लेट्स गो। कभी कभार जो है मैं करीम के ज़रिए अपना जितना भी ट्रेवल है हर सिटी के अंदर मैं वो कवर कर लेता हूँ, लेकिन आज हमारी करीम का जो सर्विस है वो एप्लीकेशन में मेरे साथ थोड़ा सा मसला आया। साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि लाहौर ऑरेंज ट्रेन का जितनी भी स्टेशन है ये तकरीबन 26 है। इसमें दो स्टेशन जो है वो ज़मीन के अंदर है, मतलब अंडर पास है, और 24 जो है वो फ्लाईओवर के ज़रिए है या ग्राउंड फ्लोर पे। तो चलिए आपको भी बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं ये टोकर वाला स्टेशन है। अभी हमने ऊपर जाना है और फिर सीधा अपना सफ़र का आगाज करेंगे, तो चलिए आप हमारे साथ रहिए। जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मास्क पहनना लाजमी है, तो इसी वजह से मैंने अभी मास्क पहन लिया और अभी मेरे हाथ में ये देख सकते हैं कि मैं अकेला हूँ, तो मैंने एक टिकट लिया हुआ है। अभी तकरीबन 7 मिनट इंतज़ार करना होगा ट्रेन आने तक, तो आप हमारे साथ रहिए। जी दोस्तों, अभी ये जो है ये टोकर न्याजबेग के जो स्टेशन है, मैं इधर खड़ा हूँ, तो मैंने कहा चलो अपने व्यूवर्स को कोई व्यू भी दिखाऊं। तो आप ये देख सकते हैं ये टोकर न्याजबेग वाला साइड है, ये नीचे आप देख सकते हैं ये जो है टोकर न्याजबेग वाला मेन सड़क है। जैसा कि आप जिस वक्त ट्रेन के सफ़र कर रहे हैं और आपने अंदर जाना है, तो आपको हर दरवाज़े के साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि बराए मेहरबानी करके दरवाज़ा खोलते या बंदते हुए वक्त आपको अपने दूर रखें। तो आपने ऐसा करना है कि जब भी कोई बंदा उतर रही है आप, तो पहले इसको उतरने दो, फिर इसके बाद आप आसानी से बैठ के और सफ़र का आगाज।
जैसा कि हमने आपको कहा था कि दो स्टेशन जो है वो अंडरपास है, तो अभी हम अनारकली के स्टेशन पे उतर चुके हैं। अभी ऊपर जाना है ग्राउंड फ्लोर पे और फिर जाना है अनारकली मार्केट पे। तो चले आप हमारे साथ रहिए। जी दोस्तों, आप बस अभी हम पहुंचने वाला है अनारकली बाज़ार। जो चीज़ आपको उधर मिल रही है तो कोशिश कर लो कि उसका भी आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ। और अभी हम तकरीबन 5 मिनट में पहुंच रही है, तो हमारे साथ रहिए। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है अनारकली बाज़ार सबसे बड़ा बाज़ार है, मार्केट है। तो यहाँ से आपको लेडीज़ जेंट्स जूते कपड़े जितनी भी वैरायटी है आपको आसानी से मिल सकते हैं, चाहे वो कपड़ा हो या घर की ज़रूरी जितनी भी ज़रूरियात की सामान है डेकोरेशन के या जो भी चीज़ें आपको आसानी से अनारकली मार्केट से मिल सकती है। जी दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं। तकरीबन 2 घंटे हो गया, हमारा जो भी चीज़ की ज़रूरत है वो मैंने ले लिया। आप ये हमारे बैक साइड पे लेफ्ट राइट पे देख सकते हैं, सारी झंडी है मुख्तलिफ पार्टियों की। तो ये अभी भेजना है सवाद, कोई बंदे ने कहा था कि ले ले, तो मैंने उनके लिए ख़रीद लिया। ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ी शॉप से अनारकली में। ये 24x36 है, 2x3, 8000 रुपये का 100 पीस, 8000 का, हाँ 80 रुपये का। ठीक है, ये वाला 100 रुपये का, 36x54 मलाई कपड़े में 100 रुपये का। ठीक है, ये वाला 2x3 है, 24x36 45 रुपये का, ये भी मलाई कपड़ा। ठीक है जी दोस्तों, जैसा कि आपने देख लिया मुकम्मल व्लॉग, जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत थी हमने वो ख़रीद लिया। अभी सवाद भेजेंगे तो आप हमारे साथ रहिए, अभी आपको और भी कोई चीज़ दिखा नहीं। अभी टाइम हो गया, अभी जो है तकरीबन असर का वक्त है, तकरीबन 6 बजे होने वाला है। और हमें मसरूफियात इतना ज़्यादा था कि का निशाने का भी वक्त नहीं मिला।
अभी हमने जाना है सिटी टर्मिनल पे सलमोर्स के अड्डे पे, हमारे पास जितने भी सामान है अभी ये हवाला करेंगे, उधर एक बंदा है वो सवाद पहुँचाएगा, तो इंशाल्लाह इसके बाद फिर रोटी खाएंगे। आगे मशीना भेजता है। अभी तो वक्त शाम होने वाला है, तो अभी हमने कहा चलो थोड़ा सा सिंधी बिरयानी खाएंगे और साथ कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो इंशाल्लाह फिर रात को जो सही वक्त पे खाना खाएंगे। बैक टू होम, इस वक्त हम वापस जाने वाले हैं अपने घर की तरफ, ट्रेन आने वाला है तो फिर जाना है सीधा अपने घर की तरफ। यही था आज का हमारा वीडियो, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगा। अगर इसके अलावा आपको ये पूछना है कि लाहौर में कौन सी जगह पे जाओ, आप लोगों के फरमाइश पे मैं हर जगह पे जा सकता हूँ, तो आप हमें बताएं कि लाहौर में मैं नेक्स्ट विला किस चीज़ के बारे में लेके आऊँ, तो मैं इंशाल्लाह आपके मशवरे का इंतज़ार कर लूँगा।